نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है क्या मोतकिफ मस्जिद में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, अगर मोबाइल पर किसी ने बात करनी हो यानी मस्जिद में वो फ़ोन अपने साथ रखे, घर से खाना मंगवाना हो, खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो डॉक्टर को अपना मर्ज़ बताना हो ताकि डॉक्टर मेडिसिन लिख दे और कोई दूसरा ले आए, या इसी तरह मोतकिफ के सर में दर्द हो और घर में चाय मंगवाने के लिए फ़ोन करे, या इसी तरीके से दीगर ज़रूरी मामलात के लिए उसको अगर फ़ोन पर बात करना पड़ जाए तो इससे एतकाफ पर कोई असर नहीं पड़ता, एतकाफ हो जाता है। लेकिन याद रखिए, इससे एतकाफ का मकसद फोत होने का ख़दशा है, इसलिए जहाँ तक तो ये ज़रूरी बातें हैं यानी घर में खाना वगैरह के लिए बात करना, डॉक्टर से बात करना या और किसी परेशानी के लिए फ़ोन करना, ये तो जायज़ है। लेकिन वक्त पास करने के लिए फजूल और लायानी किस्म की गुफ्तगू करना ये मना है, इससे एतकाफ का मकसद फोत हो जाएगा। इसलिए मस्जिद में मोबाइल रखने की इजाज़त तो है लेकिन इन फजूल बातों से बचना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।